कीड़ा पटोड़ लगे तो जय माँ करनी की दोस्तों, जय गो माता की। मैं श्याम गोंसर और मेरे यूट्यूब फेसबुक पर आप सभी का स्वागत है। और अभी जो ये एक चील है, दो दिन से इसका रेस्क्यू किया गया है और इसके पंख जो है एक कटा हुआ है और इसके पंख में घाव है, शायद किसी धागे से या किसी कारणवश कट चुका है। और डॉक्टर साहब अभी इलाज कर रहे हैं, दो तीन दिन से लगातार इसका इलाज चल रहा है। बहुत ही आक्रामक पक्षी है। लेकिन अभी घायल होने के कारण सुस्त बैठा हुआ है। बाबू मिमी स्प्रे हला देगी कि स्प्रे काट बैग में। हाँ स्प्रे और बिटाटिन लगा दो, थोड़ी टूप है कि टर्मिनल टूप देवंग। घायल होने की वजह से उड़ नहीं सकती अभी। और लगभग इस चील की जो उम्र होती है 70 साल तक होती है। वैसे जब 40 साल की अवस्था में आते हैं तो इसको इसके जो पंख हैं वो भारी हो जाते हैं और चोंच है ये चोंच भी पूरी तरह से मुड़ जाती है और इसके पंजे भी मुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये शिकार करने में असमर्थ हो जाती है। तो इसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये मौत के घाट उतर जाए या फिर ये 6 महीनों का एक संघर्ष करे जिससे कि इसकी चोंच और पंजे और पंख वापस एकदम नए हो सके। और उसके लिए ये संघर्षशील पक्षी माना जाता है। 40 साल की अवस्था आने के बाद ये पहाड़ी इलाके में जाता है और पहाड़ी इलाके के अंदर ये जाकर वहाँ पर अपने चोंच से पंखों को तोड़ता है। पूरी तरह से पंखों को तोड़ने के बाद ये चोंच को और पंजों को पत्थरों पर मार मार के तोड़ता है। उसके बाद 6 महीनों के अंदर इसकी चोंच और पंजे और फिर पंख कवर होते हैं और फिर एक नए बच्चे के समान ये आकाश में उड़ान भरती है और आकाश को चीरती हुई चलती है और फिर ये 70 सालों तक जिंदा रहती है। तो ये बहुत ही संघर्षशील पक्षी है और बहुत ही आक्रामक पक्षी है। एक बार बड़े से बड़े जानवर के सामने आने से नहीं कतराता है, नहीं डरता है और उसके सामने संघर्ष कर लेता है। ये अभी घायल होने के कारण थोड़ा सुस्त है। टूप लगा दो गावड़ी थोड़ी। और इसका इलाज चल रहा है। इसको करणी माता का स्वरूप भी माना जाता है। और इसी प्रकार लगभग कई पहले चील का रेस्क्यू कर चुके हैं और वन विभाग में वापिस इनको खुले आसमान में छोड़ दिया गया है और इसका भी रेस्क्यू किया गया है और इलाज होने के बाद एकदम पूरी तरह से ठीक होने के बाद इसको आकाश में फिर से छोड़ दिया जाएगा उड़ने के लिए। तो बेजुबानों को बचाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और आप भी इन सेवा का लाभ उठाएं और हमारी मदद करें। छोड़ूंगा ही मुंडो डॉक्टर साहब इलाज करता अच्छा था। बिया कितना टाइम बाद तैयार हो जाए डॉक्टर साहब?
छोड़ दे तुम खा जीती हो। एक मिनट बंद पकड़ो ले क्या कुछ ले ला थोड़ी सी जब भी तो बकरी भी उठा ले जो मोटी मोटी जेडी भाई के खून भी आ गए हैं, इसने झपट्टा भी लगा दिया है। वो नाखून देख सकते हो कितने बड़े नाखून होते हैं। जेडी भाई पंजा देखो पंजा कितना तीखा है। लगे आगे भी।